अब तक के सफर में आपने देखा शिलोंग से डाउकी तक का रोड ट्रिप और डाउकी रिवर। इस वीडियो में हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे बोरहिल, इंडिया क्लीनेस्ट विलेज और लिविंग रोड ब्रिज, और ये तीन स्टॉप हैं हमारे आज के ट्रेवल जर्नी के। चलिए शुरू करते हैं। सो हियर वी आर एट आवर सेकंड डेस्टिनेशन बोरहिल। दिस इज आवर टीम, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस। चलिए देखते हैं यहाँ का क्या सीन है। अभी जो आप मेरे पीछे वाटरफॉल देख रहे हैं उसका नाम है बोरहिल। इट इज लुकिंग अमेजिंग। और ऊपर लोगों ने कपड़े रखे हुए हैं, ऊपर जा सकते हैं लग रहा है, पर शायद लोकल्स को अलाउ हो, हमें अलाउ नहीं है, हम नहीं जा सकते। बोरहिल उन वाटरफॉल्स की लिस्ट में आता है जो कि बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड है। डाउकी से जब आप मॉलिनॉन्ग जो कि इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज है इसकी तरफ जाते हैं तो ये आपको रास्ते में देखने को मिलता है, और ये डाउकी से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आप 15 मिनट टाइम दे के आप यहाँ रुक सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वाटरफॉल की एक दिक्कत ये है कि आप रोड पर से केवल इसका एक पार्ट ही देख सकते हैं। आप सेकेंड पार्ट जो कि टॉप पे है उसे देखने के लिए आपको ड्रोन शॉट की आवश्यकता पड़ने वाली है। This was the second destination, Bohil. Explore कर लिया हमने। चलते हैं अब next destination की तरफ। Don't forget to like, share and subscribe. जो बैरियर लगा हुआ है ये बांग्लादेश का बॉर्डर, इधर इंडिया और उधर बांग्लादेश, और बगल में रोड है। This is our third destination, Asia's cleanest village. ऐसा कुछ टिकट है। अब हमने एंट्री कर लिया एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में। एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में स्वागत है आपका। मेरे साथ मैं हूं शुभम धवल। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, लाइक कर दो। तो हमने डिसाइड किया है पहले खाना खाएंगे यहां से, पहले हम चारों लोग खाना खाएंगे फिर एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के क्लीनेस्ट विलेज। मिलते हैं खाना खाने के बाद। आज का लंच हमने कंप्लीट कर लिया और फीडबैक जानना चाहेंगे आप, ये लोग बताएंगे फीडबैक। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी खाना, मतलब बहुत मजेदार खाना, मतलब आप खुश हो जाओगे। It was worth it. Overall, taste was awesome. मॉलिनॉन्ग प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है इसलिए मैंने डिस्प्ले पर लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बात करें इसके लोकेशन की तो ये मेघालय के खासी हिल्स में पड़ता है और ये शिलोंग से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे 2023 में डिस्कवर इंडिया मैगजीन के द्वारा इंडिया क्लीनेस्ट विलेज का दर्जा दिया गया था, और आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जून 2023 में, ये दर्जा इस गाँव के पास ही है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज होने का। जंगलों के बीच बसा एक खूबसूरत सा गांव जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है, पर मैं आपको वर्चुअली दिखा सकता हूं, आप कुछ हद तक फील कर सकते हो यहां की प्राकृतिक खूबसूरती को। एक तरफ आपको प्लेन सरफेस देखने को मिलता है जो कि बांग्लादेश का इलाका है, और बाकी पहाड़ और जंगल ये अपने इंडिया का इलाका है। तो फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया अपना। मैंने तो होम स्टे वाले से भी बात करी, हाँ वो जो हट से बना रहे थे ना कॉटेज फॉर अ डे, चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट है, 1500 से लेके 4000। तो इस गांव के अंदर स्टे करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जगह जगह मिल जाता है, हर एक जगह यहाँ पे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, यहाँ पे आप हमारे स्टे करिए ईजिली अवेलेबल। तो इस गांव में या फिर पूरे मेघालय में आप कह सकते हो हर मोड़ पे आप रुक सकते हो, हर गांव में होम स्टे है, जाने ही वहाँ बन रहे हैं तो एक टाइम बाद हर गांव में आप रुक सकते हैं। मेघालय घूमिए, निकलिए घूमने के लिए तो कम से कम एक दो महीने का टाइम लेके निकलिए आराम से अपनी गाड़ी हो, और हर गांव में एक दिन रुकते चलिए। अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना, उस चीज को फील करना तो कम से कम एक जगह एक दिन रुकिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन लिविंग रोड ब्रिज। लिविंग रोड ब्रिज डबल डेकर नहीं है, ये दूसरा ब्रिज है।
क्लीनेस्ट विलेज एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। ये डबल डेकर ब्रिज नहीं है, जैसा कि आपने सुना होगा देखा होगा, ये दूसरा ब्रिज है और ये क्लीनेस्ट विलेज से केवल 5 मिनट की दूरी पर है, मतलब उससे पहले ही पड़ता है। अगर आप विलेज जाते हो उससे 5 मिनट पहले ही है और हम लोग जा रहे हैं उसे ये एक्सप्लोर करने। यहाँ से राइट बोला था ना, ध्यान है, मैंने कुछ सुना ही नहीं ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेट्स गो। ड्राइवर बोले हैं कि 15 से 20 मिनट की वॉकिंग पर है ये, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा चलना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कितना चलना पड़ता है। अपने तो हैबिट में है इतना चलना घूमना फिरना, तो फिर है ही हैबिट में। मेघालय मेघालय समझते हैं ना, पढ़े लिखे हैं। ब्रिज के लिए अंकल ब्रिज ब्रिज जो लोग आ रहे हैं काफी थके हुए लग रहे हैं, सांस लेने की स्पीड, सांस की जो आवाज आ रही है उसे सुन के देख के ऐसा लग रहा है कि काफी नीचे है। आप देख सकते हो शायद नीचे है, तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है अपन को यहाँ पे। और पेड़ इतने ज्यादा हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन हमें दिख ही नहीं रहा है क्लियर। सफर कितना हार्ड हो, बस थोड़ा थोड़ा गैप मिल जाता है रेस्ट करने का ना, तो फिर बूस्ट अप हो जाती है एनर्जी। ये लोग थके हुए हैं सर। ये कुछ एडवेंचरस मिला अभी को। ये नीचे आने के बाद ना पूरे जंगल वाली वाइब आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि घने जंगल के अंदर है हम लोग, कमाल की फीलिंग। ये बारिश के टाइम रिस्की हो जाता होगा ऐसा हम लोगों को लग रहा है, लग क्या रहा है, हो जाता होगा। साइड में देखो इस पे काई जम रहा है, अभी तो उतरने चढ़ने के कारण यहाँ पे काई नहीं जमा है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत है। ये फुल एडवेंचर है, चलना नहीं है, चलने के लिए भी ये कंपैटिबल नहीं है, मतलब ध्यान हटता है अगर आपका हल्का सा भी इधर उधर और पैर कहीं गलती से ऊपर नीचे पड़ गया तुरंत क्रैम्प आएगा। दरबार सिंहोंग कुछ नाम लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है लिविंग रूट ब्रिज, तो इसका पर हेड चार्ज जो है 40 रुपीज है। तो फाइनली वी आर हियर, पर हेड चार्ज है 40 रुपीज और DSLR का 20 रुपीज। तो अपने पास DSLR है नहीं तो उसका चार्ज देना नहीं है। सुनाओ वी आर हियर। ऊपर जो लोग चढ़ के जा रहे थे और जैसा एक्सप्रेशन था सांस वगैरह लेने का, उसे देख के लग रहा था काफी नीचे होगा, पर उतना नीचे भी नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, हम आपको दिखाते हैं लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज, तो यहाँ की लोकेशन की बात की जाए तो बहुत ही सुपर लोकेशन है, बहुत ही नेचुरल है। ये प्लीजेंट सा लुक है, आप देखिए एक बार, इसके दोनों साइड घने जंगल है, इधर भी इधर भी, और आगे भी बहुत घने जंगल है। ऐसा कुछ सीन है, ये भीड़ फाइनली आज का खत्म हो गया हमारा, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा चलते हैं शिलोंग, एंजॉय द जर्नी। ये जितनी आइटनरी आपने अब तक के वीडियोस में देखी है वो मेघालय सीरीज का केवल पहले दिन का ब्लॉग है, आगे और भी एडवेंचर से भरी और कमाल की जगहों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस मेघालय सीरीज में। तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो आज का ट्रिप हमारा खत्म हो गया, जितना कवर हम लोग कर सकते थे किया हमने। दिस इज ऑफिशियल एंड ऑफ द डे, से बाय बाय फॉर टुडे, सी यू टुमारो गाइस, गुड नाइट, कल फिर से मिलते हैं अगली लॉट ऑफ एडवेंचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड एंजॉय एंड एंजॉय।